बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पाकिस्तान से स्पेन का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने वीजा अप्लाई करने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी, तो वो आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से बुक करवाएंगे उसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये BLS इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त मौजूद हूँ। ये ऑफिशियल पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी अदारा है, वेंडर है, जो कि स्पेन का वीजा अप्लाई करने के लिए स्पेन की एम्बेसी ने इसको हायर किया हुआ है। इसके ऑफिस जो है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने यहां पे अपना वीजा जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन जो है वो करवानी होगी, तो जाने से पहले आपने अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होगी। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करवाएंगे मैं अभी आपको जो है वो बुक करवा के दिखाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्पेन का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उनकी अलहदा से मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा, किस सेंटर से आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे आप अपना एक ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड इस वाली ऑप्शन पे सेंड करेंगे। जो ही फ्रेंड्स इस पे आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे तो इस तरह से जो है वो आपको ईमेल रिसीव होगी और ये कोड आपको आएगा। ये कोड जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो पेस्ट करना है और कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपने अपना पूरा डाटा यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट किस डेट को आपको चाहिए वो डेट आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपने वीजा टाइप जो है वो बताना होगा कि आपका वीजा टाइप कौन सा है, टूरिज्म है, बिजनेस है, मेडिकल है, क्या है, तो वो आपने यहाँ पे देना होगा। फिर उसके बाद जो है आप नीचे अपना फर्स्ट नेम देंगे। फर्स्ट नेम देने के बाद जो है नीचे अपना लास्ट नेम देंगे। लास्ट नेम देने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, मोबाइल नंबर ये बाय डिफॉल्ट उठाएगा, नेशनलिटी भी आपकी बाय डिफॉल्ट उठाएगा, क्योंकि अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, पासपोर्ट की इशू डेट देंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी देंगे। इसके अलावा आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था वो यहाँ पे देंगे। और यहाँ से अगर आप कोई वैल्यू एडेड सर्विस लेना चाहते हैं वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ से जो है सिलेक्ट करेंगे तो उसके अलावा से चार्जेस हैं आपसे जो है वो लिए जाएंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस नहीं लेना चाहते जिसमें SMS सर्विस है, फॉर्म फिलिंग है, फोटोग्राफ है, इसके अलावा प्रीमियर लॉन्च है, तो इनमें से कोई भी अगर आप सर्विस नहीं लेना चाहते तो इसको इग्नोर करेंगे और एंड पे जो है नीचे कैप्चा देंगे। और कैप्चा देने के बाद सबमिट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। जो ही आप सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो पूछेगा कि प्लीज कंफर्म ऑल द इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट, तो मैं ओके वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस तरह से जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाएगी। आपको जो है वो यहाँ पे जो है आपको पूरा डाटा नजर आ जाएगा, जो डेट आपने दी होगी, जो सेंटर दिया होगा, जो टाइम होगा आपकी अपॉइंटमेंट का, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी इस अपॉइंटमेंट को जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।